हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ना बहुत सारे काम करने हैं और दीपावली भी है, तो दीपावली की अभी मिठाई भी हमने नहीं बनाया है। हमने इस बार सोचा है कि दीपावली के, वैसे कोई भी फेस्टिवल होता है ना, तो मैं ज़्यादातर घर में ही मिठाइयाँ बनाने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो, मैं काट रही हूँ मेथी, बर्तन धोने के बाद मैं काट रही हूँ मेथी। और उसके बाद मेथी को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और आजकल के ये जो मेथी है ना, पहले जब मैं बनाती थी ना मेथी, तो इसको हम नमक में छोड़ देते थे आधा घंटा के लिए, एक घंटे के लिए नमक लगा के, उसके बाद इसका पानी निचोड़ के फिर उसको धो धा के फिर सब्जी हम बनाते थे या पराठा बनाते थे। मगर आजकल का मेथी ऐसा आ रहा है ना कि मतलब कड़वा होता ही नहीं है। डायरेक्ट देखो ना, लीफ को मैं काट के डायरेक्ट मैं सब्जी बना रही हूँ। मैंने सरसों का तेल डाला है, उसके बाद उसमें सूखी मिर्च डाली और उसके बाद मेथी डाल रही हूँ। और मेथी को अच्छे से एक मिनट तक मैंने पकाया, उसके बाद आलू भी डाल देती हूँ और आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक ऐसे ही सीझ जाएगा मेथी के पानी से ही आलू। उसके बाद मैं फटाफट रोटी सेक लेती हूँ। और ये हमारा आज शाम का डिनर है या रात का, जो समझ लीजिए। तो जल्दी जल्दी फटाफट मैं रोटी सेक लेती हूँ। और तो आज का डिनर हमारा बन गया है आलू मेथी की सब्जी और रोटी। और मेथी की सब्जी में ना मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, लहसुन वहसुन कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ मिर्ची का तड़का लगाती हूँ। और ऐसा ही बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि मेथी जो होता है ना खुद में ही बहुत गर्म होता है, इसलिए इसमें गर्म चीज़ें नहीं डाला जाता है। बस यहाँ पे देख सकते हो माता रानी के सामने हमारा दीपक भी जल रहा है और सबके लिए मैंने खाना भी निकाल दिया है। मैं तो चलिए खाना खा लेते हैं, फिर मैं आप सब से मिलती हूँ। और आ जाइए आप सब भी खाना खाने के लिए। और कैसे आप मेथी की सब्ज़ी बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ मेथी की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगती है, सरसों का तेल में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनता है। उसके बाद बाहर में पतिदेव जी लरी लगा रहे हैं इस तरीके से, चिकमिकाहट वाला, बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। देखिए यहाँ पे और बाहर तक ग्रिल पे लगा है, आपने देखा ही होगा बाहर वाला। देखो ना कितना चमकता है। हाँ, सो गाइस, बच्चे सब लोग सो गए हैं और मैं अभी अकेले जागी हुई हूं। और मैं बना रही हूं दीपावली का मिठाई, नमकीन, ये सारी चीज़ें। तो यहां पे देख सकते हो अभी तो मैं नमकीन काट रही हूं। नमकीन बनाने के लिए जो नमकीन होते हैं ना, वो पतला पतला सा, ये वाली मैं बना रही हूं। ये चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देख सकते हो बस पतला पतला सा मैं इस तरीके से काट लेती हूँ। और एक तो पतला रहता तो जल्दी छना भी जाता है और टाइम भी नहीं लगता है और अच्छा भी लगता है। और मार्केट में भी ना डब्बे में पैक करके इसको बेचा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो एकदम पतला पतला सा मैंने काट लिया है। और मूँगफली भी मैंने मूँगफली को भी मैंने भून के इसका छिलका उतार के मैंने साइड में रखा है। और यहाँ पर देख सकते हो एकदम गोल्डन होने के बाद मैंने छान लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं शकरपारा मैंने बनाने जा रही हूँ। और कल लक्ष्मी पूजा है तो हमारे तरफ ना शकरपारा बनता है। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा लिया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि मैं पूजा के लिए बना रही हूँ तो सब कुछ अभी मैं मार्केट से मंगवाई हूँ, सब कुछ न्यू है, तो अभी मैंने आप सबके सामने खोली हूँ। तो यहाँ पे 2 चम्मच में घी डाल देती हूँ। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से हाथों से, अपना दोनों हाथों से मिक्स करने के बाद आपको अभी मैं दिखाती हूँ कि कैसा होना चाहिए, कितना मोयन इसमें डालना चाहिए। देखिए, आप मुट्ठी बांधो ना तो बंधा जाए और थोड़ा सा उंगली लगाओ तो ढह जाए। इस तरीके से आपको मोयन डाल के इसका, और ज़्यादा गीला नहीं बनाना है, हल्के हल्के पानी डाल के थोड़ा सा टाइट आटा लगानी है मैदे का। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मेरे हस्बैंड जो हैं, ये प्रेस्टीज का एक कढ़ाई मंगवाए हैं, जो कि मैं सोची कि चलो भाई प्रसाद बना रही हूँ तो मैं आज ही उद्घाटन कर देती हूँ दीपावली के शुभ अवसर पे।
तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है न्यू वाली, और एक तरफ मैंने दूध भी चढ़ाया है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन। मैं तीन चार तरह की मैं मिठाइयाँ बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने एक चम्मच भर के मैंने घी डाला है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक कटोरी लेके इससे मेजर करके मैं दूध डाल रही हूँ। तो यहाँ पर 3.5 कटोरी दूध बना है इस कटोरी से, जिससे मैंने मेजर किया है 3 कटोरी और 1/2 कटोरी बना है। तो इसी से मैं इसमें ये अच्छे से मैंने इसको धो लिया है पोंछ के, और फिर उसी से मैं सूजी को माप के इसमें डालूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं देख रही हूँ कि सूजी साफ़ तो है ना, मगर साफ़ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, एक कटोरी मैंने डाला और 1/2 कटोरी और मैं डाल देती हूँ। तो क्योंकि 4 कटोरी अगर दूध होता है ना, तो 2 कप हम आटा डालते हैं, 2 कटोरी आटा डालते हैं, मगर यहाँ पे 3.5 है, मतलब 4 पूरा दूध नहीं हुआ था, इसलिए मैंने वो हिसाब से डाला। यहाँ पे देख सकते हो, कंटिन्यू चलाते रहना है, एक डो बना लेना है सूजी का। और उसके बाद यहाँ पे देख, थोड़ा सा मैश करके और गरम गरम में ही आपको इस तरीके से चिकना चिकना सा गोला बनाना है गुलाब जामुन का, जैसे मार्केट में गुलाब जामुन मिलता है वैसे। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी, अकेले ही करना पड़ता है, तो जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ, और पूरा चिकना चिकना फटा हुआ रहेगा तो तेल ज़्यादा पिएगा तो सही नहीं होता है, तो इसलिए चिकना चिकना बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, हमारा सभी गुलाब जामुन बन गए हैं। अब इसको हम तेल में फ्राई करेंगे, और इसमें तेल में छोड़ने के बाद आपको इसको कोई भी चीज़ से टच नहीं करना, नहीं तो फट जाएगा। अब इसको मीडियम फ्लेम पे पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पे छोड़ेंगे, लो फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे। और इसको जब आप, जब नीचे से मतलब पक जाएगा ना हल्का सा, तो अपने आप कढ़ाई जो है छोड़ने लगता है, चिपकेगा नहीं। फिर हल्के हल्के हाथों से सभी गुलाब जामुन को हम उलटते पुलटते पका लेंगे, और गोल्डन होने तक इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद देख सकते हो, हमारा फ्राई हो गया है। अब चाशनी को गुनगुना करना है। ये चाशनी मैंने पहले ही बनाया था, जो कि अभी ठंडा हो गया, तो इसको मैं अभी गैस स्टोव जो है जला देती हूँ, और उसके बाद इसमें गुलाब जामुन, सभी गुलाब जामुन डाल दूंगी। और यहाँ पे देख सकते हो, बस कवर करके छोड़ देना, और अपने से 1-5 मिनट के अंदर ही अच्छे से रस को पी लेगा। और अभी जो है मैं इसको काट के भी दिखाऊंगी, बाकी के बैच ऐसे ही फ्राई कर लूँगी सारे गुलाब जामुन को। तो यहाँ पे देख सकते हो, इतना एक बैच और है, क्योंकि बड़ा कढ़ाई है तो एक ही बैच में मेरा सारा फ्राई हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, चलिए सभी गुलाब जामुन को हम फ्राई कर लेते हैं फटाफट। और आप सब कैसे दीपावली मना रहे हो, हमें कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, सभी गुलाब जामुन को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और इसको भी हम छुएंगे नहीं, और 3-4 मिनट के बाद हम इसको कढ़ाई को हिलाएंगे, तो अपने आप कढ़ाई जो है पेंदी छोड़ देगा। और यहाँ पे देखिए, एक काट के मैं दिखाती हूँ कितना एकदम सॉफ्ट है, मुँह में जाते ही एकदम घुल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद शकरपाला बनाने की तैयारी मैं करने लगती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं बनाई हूँ काजू कतली, तो काजू तो नहीं है, मैं बादाम से बनाई हूँ, मूंगफली से बनाई हूँ। यहाँ पे मैं सिल्वर वर्क मंगाई थी, सिल्वर पेपर जो होता है ना मिठाई के ऊपर, वो मैं मंगाई थी अपने हस्बैंड से, मैं बोल के, इससे थोड़ी सी मिठाई का ना लुक अच्छा होता है और चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस तरीके से इसका शेप डाल दी हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो मैं इस तरीके से चिपका रही हूँ, और मेरे पतिदेव बोले कि लाओ मैं मदद कर देता हूँ, तो वो भी आके इस तरीके से सब में चिपकाने लगे हैं। और फिर हल्का सा ठंडा हो गया तो इसका शेप भी काट देते हैं, देख सकते हो। तो फाइनली हमारा जो बर्फ़ी का बन गया है, और इस तरीके से सेब भी काट रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि चलिए पहले रख देते हैं, थोड़ी सी और ठंडा हो जाएगा तब। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि ठीक है, काट देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, फाइनली हमारा इधर बर्फ़ी भी बनके रेडी हो गया है। उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ शकरपारा। शकरपारा जो होता है ना, मतलब हमारे तरफ लक्ष्मी पूजा में बहुत फेमस है मिठाई, लक्ष्मी पूजा में यही बनता है और यही चढ़ाया जाता है। और देखिए, अभी मैं घड़ी दिखा रही हूँ कि रात को बज गए हैं 2, और मैं अभी अकेले जागी हुई हूँ, और बाकी सब सो गए हैं, सिर्फ मैं अकेले जागी हुई हूँ। तो यहाँ पे फाइनली हमारा सब कुछ बन गया है, चलिए एक बार दिखा दे। तो यहाँ पे देखिए, मैं ये नमकीन बनाई हूँ। उसके बाद आप तो देखिए ही हैं, गुलाब जामुन है। उसके बाद मैं बर्फ़ी भी बनाई हूँ, तो 3 तरह की मिठाइयाँ हमने बनाया है।
सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब तो दीपावली हो गया, ऐसे छोटी दीपावली पे ही मैं ये सब छोटी दीपावली के दिन ही बनाई हूँ। बोलते हैं ना कि 12 बजे के बाद समय बदल जाता है, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी 12 से ऊपर हो गया, 2 बज गए हैं, तो ये मॉर्निंग ही हो गया। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।